जय हिंद दोस्तों। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की ओआरओपी 3 में पेंशन सिपाही से लेके हवलदार और हवलदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक कितनी बढ़ेगी। कई लोग कमेंट ये कर रहे थे कि प्री 2006 वालों की कितनी बढ़ेगी, पोस्ट 2006 वालों की कितनी बढ़ेगी, और एक्स ग्रुप की जो प्री 2016 वाले हैं उनकी कितनी बढ़ोतरी होगी ओआरओपी 3 में, और पोस्ट 2016 वालों की कितनी बढ़ोतरी होगी। तो पूरी डिटेल इसमें मैंने बनाई हुई है, पूरी लेके आया हूं, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। इसमें एक्स ग्रुप वालों को भी बताएंगे और वाई ग्रुप का भी सेपरेट बताएंगे कि वाई ग्रुप की कितनी पेंशन बढ़ेगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सरकार ओआरओपी 2 की तरह ही ओआरओपी 3 भी देगी, क्योंकि अभी तक जितनी हमने मांगे सरकार के पास रखी हैं, सरकार ने किसी भी मांग को पूरा नहीं किया है और ना अभी 2024 में करेगी। तो 2024 में ओआरओपी 3 लागू होगा तो उसी हिसाब से मिलेगा जैसा कि हमें ओआरओपी 1 मिला था और ओआरओपी 2 मिला था, इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। तो उस हिसाब से ओआरओपी 2 के हिसाब से हमें जो पेंशन दी गई उसी हिसाब से ओआरओपी 3 दी जाएगी। तो कितनी हमारी पेंशन बढ़ेगी मैं एक्स ग्रुप का और वाई ग्रुप का दोनों एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि टेबल नंबर 8 में एक्स ग्रुप के जो पोस्ट 2016 वाले हैं उनकी डिटेल दी हुई है, और जो टेबल नंबर 7 है उसमें जो डिटेल दी गई है जो ओआरओपी 2 में दी गई थी कि उसमें एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों की दी गई थी, एक्स ग्रुप की उनकी दी गई थी जो प्री 2016 वाले हैं। अभी सवाल यह होता है कि एक्स ग्रुप की कितनी बनेगी, वाई ग्रुप की कितनी बनेगी। तो पहले मैं एक्स ग्रुप की बताता हूं, उसी में मैं वाई ग्रुप के वालों को भी बताऊंगा और प्री 2006 वालों को जिनको एमएससीपी का लाभ नहीं मिला है उनकी भी टेबल बताऊंगा। सबसे पहले तो ओआरओपी 3 का जो बेस ईयर है जुलाई 2023 लिया जाएगा, क्योंकि हर साल एक साल पहले का बेस ईयर लिया जाता है। तो वो बेस ईयर के हिसाब से अगर सिपाही 17 साल वाई ग्रुप के हैं तो उनकी जो बेसिक ओआरओपी 2 में थी 20,107 रुपए थी, और ओआरओपी 3 में जो बढ़ोतरी होगी 23,138 रुपए, जो पीपीओ के हिसाब से रिटायर हुए हैं जुलाई 2023 बेस ईयर में उनकी 23,138 बन रही है। इस हिसाब से इसमें अगर फार्मूला लगाया जाए मैक्सिमम और मिनिमम का तो वो बनती है 21,623 रुपए, यानी कि सिपाही 17 साल सर्विस करता है और उसकी जो पेंशन ओआरओपी 3 में बनेगी 21,623 रुपए बनेगी। केवल सिपाही है, ना तो इसको एसीपी हवलदार मिल रहा है ना कुछ, उनकी बात ये कर रहा हूं मैं। सिपाही 21,623 रुपए, इनकी बढ़ोतरी होगी 1,516 रुपए केवल जो सिपाही है। अभी वाई ग्रुप का ये है, अब एक्स ग्रुप का मैं बता दूं, सिपाही एक्स ग्रुप जो पोस्ट 2016 वाले हैं उनकी 23,750 ओआरओपी 2 में हुई थी, और ओआरओपी 3 में जो होगी 26,300 रुपए जो नए रिटायर हो रहे हैं जुलाई 2023 में, उनकी 26,300 रुपए हुई है जो जुलाई 2023 में रिटायर हुए। इस हिसाब से इसमें फार्मूला लगाने से जो बनती है 24,930 रुपए बनती है, यानी कि 1,370 रुपए का इजाफा होगा सिपाही एक्स ग्रुप पोस्ट 2016 वाले जो रिटायर है, जो 17 साल सर्विस करते हैं उनको 24,930 रुपए ओआरओपी 3 में बनेगी। इसी तरह एक्स ग्रुप जो प्री 2016 में रिटायर हुए हैं उनकी 20,813 रुपए थी ओआरओपी 2 में, और जो नए रिटायर जो पुराने वही आ जाएगा जो पुराने का उसके हिसाब से उनको पुराने के हिसाब से मिलेगा 24,800 रुपए के हिसाब से, उनकी 22,807 रुपए होगी जो प्री 2016 वाले हैं। तो जो प्री 2016 वाले एक्स ग्रुप वाले हैं उनको 22,807 रुपए ओआरओपी 3 में हो जाएगी। इसके बाद सिपाही एक्स ग्रुप जो एमएससीपी हवलदार ले रहे हैं पोस्ट 2016 वाले, इनकी जो एक्स ग्रुप वाले हैं उनको हो जाएगी 28,148 रुपए। ये पोस्ट 2016 के एमएससीपी हवलदार वाले हैं, जो सिपाही में हवलदार ले लेते हैं एमएससीपी हवलदार उनको मिल जाती है एसीपी 2, उनकी 28,148 रुपए हो जाएगी। और बता दें कि सिपाही एक्स ग्रुप प्री 2006 वाले की, क्योंकि एक्स ग्रुप के जो प्री 2006 वाले की है उनकी 22,454 रुपए बनेगी बेसिक ओआरओपी 3 में। इसके बाद बता दें नायक 22 साल वाई ग्रुप के हैं जो 21,200
44 रुपए बन रही थी ओआरओपी टू में, अब उनकी 22,422 रुपए बनेगी। ये रैंक आर्मी एयरफोर्स नेवी के इक्वावेलेंट सभी रैंकों की बराबर होगी, तो ये ध्यान रखें जो नायक नेवी के हैं एयरफोर्स के हैं वो इक्वावेलेंट सब बराबर है। तो 22,422 रुपए बनेगी जो 22 साल सर्विस करते हैं नायक वाई ग्रुप के। अभी मैं बता दूं कि जो नायक एक्स ग्रुप के हैं पोस्ट 2016 वाले की, उनकी 26,064 रुपए बनेगी ओआरओपी थ्री में पेंशन, जो नायक एक्स ग्रुप के पोस्ट 2016 वाले हैं। इसी तरह नायक एक्स ग्रुप प्री 2016 वालों की बनेगी 24,580 रुपए, लगभग उनकी 1,500 रुपए कम बनेगी, क्योंकि वो प्री 2016 वालों को लाभ नहीं मिल रहा है 6,200 का, इसलिए उनकी 1,500 रुपए कम हो जाएगी प्री 2016 वालों की। इसके बाद हवलदार 24 साल सर्विस करने वाई ग्रुप वालों की बनेगी 24,750 रुपए, 1,000 रुपए का इजाफा होगा ओआरओपी टू से ओआरओपी थ्री में। लेकिन जो हवलदार एक्स ग्रुप पोस्ट 2016 वाले हैं उनको 28,342 रुपए बेसिक बनेगी ओआरओपी थ्री में, जो हवलदार हैं एक्स ग्रुप वाले पोस्ट 2016 वाले। अब प्री 2016 वाले हवलदार हैं उनको 27,030 रुपए बनेगी ओआरओपी थ्री में 24 साल सर्विस करने वाले हवलदार की, तो ये बनेगी। इसके बाद बता दें कि जो एक्स ग्रुप के बाकी पोस्ट, जो वाई ग्रुप के बाकी पोस्ट हैं उसमें सिपाही के लिए जो पेंशन मैंने बताई 21,623 रुपए बनेगी, जो 17 साल सिपाही केवल है। इसके बाद सिपाही एक्स ग्रुप के 24,930 रुपए मैंने बताई, और इसके बाद नायक की 22,422 रुपए बनेगी 22 साल सर्विस करने वाले की, हवलदार 24 साल वाले की 24,750 रुपए, नायब सूबेदार 28 साल सर्विस करने वाले की 27,562 रुपए, और जो 26 साल सर्विस करते हैं उनकी भी लगभग 26,000 के आसपास बनेगी। वो मैंने कैलकुलेट इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक हमें पीपीओ 26 साल नायब सूबेदार का जो 2023 में रिटायर हुए हैं उनका नहीं मिला था। सूबेदार 30 साल सर्विस करने वाले की 32,800 रुपए हो जाएगी बेसिक, इसके बाद सूबेदार मेजर 35,600 रुपए हो जाएगी, और इसके बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट की 43,800 रुपए, ऑनरी कैप्टन की 46,575 रुपए, ये बेसिक हो जाएगा ओआरओपी थ्री में सभी रैंकों की। ये केवल वाई ग्रुप का है, पीछे मैंने एक्स ग्रुप का आपको बता दिया था। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।